पिस्तौल मारूंगा, अगर मैं गोली मार दे तो कितनी है, फिर मैं पहचान दूंगी भाई, हाँ पहचान दूंगी। वैसे को मास्क ला रहा हो और पट्टी ला रहा हो, करी करी आंख उसकी और मोटे है मुँह का छिदे छिदे मुँह का छोरा और डोल उसके बाल पच्छन कर बाल। साथियों हादसा हो सके तो तुम्हारी बेटी भी है, बच्चियां भी हैं, और तो कुछ भी हो सके, सरेआम मतलब गुंडागर्दी हो गया। तो इस हादसे ने मेरे गांव के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक का दिल दहला दिया, दहशत में हो गया मतलब। तो ये अच्छी बात थोड़ी है कि भी सरेआम हमारा कोई खौफ नहीं रहा इसका मतलब गांव का, एक गांव की बिल्कुल सीमा का बंदा और इतनी बड़ी वारदात ने अंजाम देकर चला जाओ तो खौफ ना। विनती है कि अपने बच्चा ने समझावे, अपने बड़े बुजुर्गों ने समझावे, अपने परिवार ने समझावे। इस टाइप का व्यक्ति अगर कोई गलिया में भी मिले, उसकी दी हुई कोई चीज नहीं खावे और अपने आप ने सेफ रखे। दोस्तों फिलहाल बहादुरपुर गांव के अंदर मौजूद हैं तहसील शायद इसकी सफीदो हैं, और हमारे साथ एक ताई मौजूद है भाई। कल ये लकड़ी लेने जा रही थी नहर के ऊपर, और इसके भाई आप कानों के बाले एक बार क्लोज करके दिखा दे भाई, कानों के दोनों बाले निकाल के लेके हैं। पूरी की पूरी घटना पूछेंगे कि कुछ हुई था, राम राम। क्या हुआ था कल भाई? अमान लाग रहे थे मैं मेरी जिठानी, और गया अतः नहीं बोला ये लकड़ी घेर दो, हमने वो लकड़ी घेर दी, अतः नहीं बोला क्यों ये चुगी, मखा भाई हमने चुग ली, और भाई थरी उजाड़ तो सही नहीं, पर भाई थमने लगती हो तो हम थरी लकड़ी घेर देंगे आड़े, और तू ले जा अपनी ना, अतः नहीं बोला ना इनका डंड तो भरना पड़ेगा, मखा भाई डंड भरना के पड़ेगा, हम तड़के ही कह रहे हैं चुगण, और तू अपनी लकड़ी रख ले, बसी हुआ डंड होगा, न बोला बाड़े देने पड़ेंगे, मन अपने करना का हाथ ला लिए दोनों कस के, मखा बाड़े तो मना दू अकी वो पिस्तौल मारूंगा, अक मखा गोली मार दे तू कितनी है, फिर मैं गुबाड़े नहीं दूंगी भाई। अच्छा। फिर मैं अपने बाड़े का कथी चपट गई मुट्ठी भर ली मना, फिर दोनों मनु पकड़ का बाले अपने कान और बैठ गई, उसने दोनों हाथा तो देखी है निशानी, उन्हें खूब हाथ ला कर मेरे न्यू दूर हटा कर पढ़ कर और गोद मोबाइल को बाज लिया बाइक पे मोड़ का बाइक, फिर मैं उसके पीछे भी लग गई थोड़ी ही दूर, फिर मेरा एक लिखा के चारा चल रहा था, फिर अपना आप एक थे एक दो जने थे दो थी, फिर वो था दूर खड़ी थी। अच्छा दूर खड़ी, हाँ मेरी जिठानी वहाँ डूगी बेचारी खोस कर ले गया, वो एक के था, वो एक था। अच्छा लंबे लंबे उसके बाल है और करी करी ही आँख है और मोटे मुँह का छोरा हो। अच्छा हाँ माँ या कुछ का आस पास का होगा, गांव का है कित का है भाई? कोई मैंने बताऊ मैंने देखा तो पहली बार हो, देखा पहली बार कल। अच्छा हाँ तो फिर ईब के कुछ चल रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा है? हाँ जो तेरे कितरिया यो नहीं है यो तू मेरे मुँह का ला रहा है ईसा ईसा उड़ा, हम डॉक्टर को टक्के लुआ थे, उन्हें बोला ना उसने पहला ये बुलाए थारे बरगे भाई, अतः उसने सारा यो करे, फिर उसके कहे था जो आप इसे ऐसे थे उसने पुलिस आएगी मारे कहे थे नहीं गई, वो डॉक्टर ने न्यू कही अगर जाओ चौकी में जाओ, हम चौकी में गए तो चौकी वाले के बोले आकाश तो खुली नहीं। अच्छा। फिर उन्हें बोला हम फिर उड़े आए गुफ्ता का, फिर उन्हें बोला आदर्श केरा के थाना कम है उसमें गए, नो बोला पहले इसके मलम पट्टी करवाए दो। अच्छा, अच्छा। फिर उड़ा मलम पट्टी कराई अतः फिर इतने में वो वीडियो आए आएगी, फिर उसने की तो पचाई हो गया का बात, फिर जीफ भर का बाजी आई। अच्छा, फिर मारा उड़े भी काम बने, फिर उड़ा उसमें के हो अस्पताल में भी पर्चा बनाया, फिर भाई हम आए। इब कुछ बेरा लग गया है, कौन है, पुलिस ने जांच थोड़ी बहुत करी है भाई? इब जीन तारे हो। अच्छा वो जो ठाया ठुया कर। अच्छा, वही बूढ़े ले गए थे ये वाले? हाँ। अच्छा बूढ़ा देख का अरे वो गए हैं। अच्छा जांच तो हुई है थोड़ी ही आपको, वो है विभूषण ठान गए हैं देखो। अच्छा पहचान दूंगी भाई मैं। अच्छा हाँ पहचान दूंगी, वैसे को मास्क ला रहा हो और पट्टी ला रहा हो, करी करी आंख उसकी और मोटे है मुँह का छिदे छिदे मुँह का छोरा और डोल उसके बाल है पच्छन पर, बाल भी कटवा लेगा जब भी उसकी शक्ल तक पहचान दूंगी। हाँ तो इतने दिन हो पहले भी आप लकड़ी लेने जाते कुछ कदे कल तो ऐसा हो गया बेटा जाऊ सपना होया, कोई
जेड़ा दौरा भी बात नहीं थी, अरे धुंध पड़ा करती कई साल पहले, हम धुंधा में भी लकड़ियां चली जा करते, कदे ऐसा नहीं हुआ था। और कथी राह के काम पर कान कती दोनों पट गए हैं, तना खोल का दिखाऊ जब और नु कान लागी काटी है यो कान त टके भी नहीं आई और इसका टके आ रहे हैं। अच्छा अक मैं झूठे फटफट कर बात सही थी। तो भाई एक और आदमी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम पूछ लेते हैं। हां जी राम राम जी। राम राम जी। हां तो क्या कुछ कल हुआ था एक बताइए ना, तो बता दिया थोड़ा। पहले तो आपके चैनल ने बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूं मैं जो कि आप हमारे गांव में आए हो। तो नागर साहब बात ऐसे है, ये हमारी भाभी जी हैं और बेचारी देखो इसकी उम्र देखो कितनी है और बुढ़ी लुगाई की उसने बाले पाड़े हैं, कितना तो खून बह गया इसका, लोह में लथपथ होगी। जो दूसरी भाभी जी साथ में थी वह बेचारी डर गई, फिर उन्हें बोला पिस्तौल पस्ताल हथियार हथियार का भाई गोली मार दूंगा नहीं कर दूंगा। तो देखो इतना मतलब शांति पूर्ण वाला गांव है हमारा, बिल्कुल शांति का माहौल है इसमें। और जो यो कल हादसा होया है, इस हादसे ने मेरे गांव के छोटे बच्चे तक लेकर बुढ़े तक का दिल दहला दिया। बिल्कुल बिल्कुल दहशत में हो गए, मतलब दहशत में हो गए हैं। आप समझ सकते हो इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारी बुढ़ी औरत के साथ, बुढ़ी बुजुर्ग लुगाई बिचारी, उसके साथ ही हादसा हो सके है। ये बुढ़ापे में खून थोड़ी बढ़ेगा, कितना खून बह गया होगा, इसके साथ ही हादसा हो सके। तो हमारी दी बेटी भी है, बच्चियां भी हैं, और तो कुछ भी हो सके, सरेआम मतलब गुंडागर्दी हो गया तो है? तो ये अच्छी बात थोड़ी है कि भी सरेआम मारा कोई खौफ नहीं रहा इसका, मतलब गांव का बिल्कुल बिल्कुल एक गांव की बिल्कुल सीमा का बंदा और इतनी बड़ी वारदात ने अंजाम देकर चला जाओ, तो खौफनाक या जो वारदात हुई है इसका मतलब तो हमारा गांव का कोई भी खौफ उस बंदे के जहम में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ना कोई डर ना कोई नो कोई भय है। तो मेरी अच्छा इसके बारे में तो ये बात, और दूसरी बात मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा मैं, जो भी मेरे भाई बहन चाचे ताऊ चाची ताई जो भी इस मतलब न्यूज ने देख रहे हो, इस वीडियो ने देख रहे हो, तो मेरी सब हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चा ने समझावे, अपने बड़े बुजुर्गों ने समझावे, अपने परिवार ने समझावे। इस टाइप का व्यक्ति अगर कोई गलिया में भी मिले, उसकी दी हुई की कोई चीज नहीं खावे और अपने आप ने सेफ रखे, और बाहर भी कोई इस टाइप का आदमी मिले तो पुलिस प्रशासन ने उसके बारे में जानकारी देवे, 112 नंबर पर कॉल करें, पुलिस अपनी तुरंत कार्रवाई करेगी। क्या लग रहा है ऐसी ऐसी घटना हमारे समाज में दिन प्रतिदिन आज के टाइम में देखने मिल रही है, मतलब कलयुग शुरू हो गया है। कलयुग तो साहब आपने देखो ये न्यूज देख लग रहे हो, इससे पहले भी आपने बहुत मतलब वारदातें देखी होंगी, आपका काम ही है। कलयुग तो स्टार्ट की तो बातें के ये तो कलयुग है, जो ये वारदात होने लग रही है यो कलयुग था, जो यो घटना घटी है, यहाँ वो खुद कलयुग आ रहा था जो ये घटना घट रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन कितना काम कर रही है? देखो जी मैं पुलिस प्रशासन के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि पुलिस भी अपना काम अपनी नेक नीति तय कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों हम किसी ने दोष देवा, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई फलाना आदमी था, भाई फलाने गांव का था, उसका नहीं उतर जान दे ठहले होगी पुलिस। टाइम तो लगता है, टाइम तो लगता है साहब, ये मतलब कि एक बीमारी भी है तो उसकी बुखार की भी गोली लोगे तो 2-3 घंटे तो लग गएंगे उतरने में। तो यही है साहब, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस पे हमने पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हमारा जो हमारी बुजुर्ग लेडीज के साथ औरत के साथ ये हादसा हुआ है उसमें पूरा पूरा सहयोग मिलेगा पुलिस की तरफ से। भाई फिलहाल आप देख लग रहे थे ऐसी ऐसी घटना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और एक ही हमारी साथ दादी हमारे साथ जुड़ रही थी, इसके कानों के बाले बिल्कुल निकाले और दोनों कान फट गए थे। कल की ये घटना है, पुलिस प्रशासन भी जांच कर रहा है और जांच में देखेंगे भाई क्या वो मिलता है या नहीं मिलता है, बाकी की अपडेट हम बाद में दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दो। जय हिंद जय भारत।